हेलो बच्चों, क्लास 11। आज हम 11 क्लास में प्रक्षेप गति का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं। प्रक्षेप गति ये हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। तो इस प्रक्षेप गति में मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दो प्रकार की मैंने गति बताई थी। एक वो बताई थी जब वस्तु को किसी हाइट से फेंका जाता है, दूसरा किसी नीचे कोण से इसको फेंका जाता है। तो मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ, जब वस्तु को क्षैतिज के साथ कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, मैंने एक पत्थर लिया और उसको ऐसा करके फेंका। पत्थर कैसा जाएगा? ऐसा जाके, ऐसा जाके, ऐसा गिरेगा। ये मेरे पास समतल हो गया। तो मेरे पास कैसा हो गया? ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। सी एक्स और वाई एक्सेस में गति की मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो देखिए मेरे पास क्या कंडीशन आ गई, ये द्विविमीय अक्ष हो गया, एक एक्स और दूसरा कैसा चला गया मेरे पास, वाई। मैंने वस्तु को कोई कोण थीटा से ऐसा फेंका है, ये वस्तु को मैंने थीटा से यहाँ से प्रक्षेपित किया, प्रारंभिक वेग यू हो गया। अब जैसे ही मैं इसको प्रक्षेपित करता हूँ तो क्या होता है, ये जो वस्तु है ऐसे ना जाके कैसे चली जाती है, ऐसे जाके अपना पाथ ऐसा कवर कर लेती है। ठीक, अगर मैं इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया एक्स अक्ष, और वस्तु ऐसे जाके ऐसे चली गई। इसका प्रारंभिक वेग जो मेरे पास निकला था वो यहाँ पर यू की वैल्यू के इक्वल आ जाता है। तो वस्तु की इस गति में जैसे जैसे ये ऊपर आ रहा है अपना एक पाथ बना लेता है, और वस्तु की ये गति प्रक्षेप गति कहलाती है। इसमें ये जो रहता है ये मैक्सिमम हाइट एच कहलाती है, ये रेंज आर कहलाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो समय लगता है वो आवर्तकाल टी कहलाता है। ठीक है, तो आवर्तकाल टी को ही मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ, और इसका ये वाला पाथ पर वलया कार कहलाता है। तो इसी गति की हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हो तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक यहाँ पर मैंने ये लिया, वस्तु ऐसे जाके ऐसे वापस आ गई। इस पॉइंट पर इसका वेग यू प्रारंभिक वेग है, ये कोण यहाँ पर थीटा है। ठीक, ये हाइट एच कहलाती है, ये रेंज आर कहलाता है, ये हो गया ओ, ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया आपके पास वाई अक्ष। अब मालूम है कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि अगर हम वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं तो इसके घटक का मान कैसा होता है, अचर रहता है। तो ये मेरे पास यहाँ पर
यू का मान पूरे कॉन्सेप्ट में यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा यू कॉस थीटा ये अचर रहता है, ठीक। लेकिन ये वाला मान यहाँ पर घटता है और फिर इसका मान कैसा होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितने के इक्वल हो गया, यू एक्स के इक्वल। यहाँ पर ये कितने के इक्वल हो गया, यू वाई के इक्वल। तो देखिए मैं यहाँ पर डिफाइन कर लेता हूँ, जब वस्तु को कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता है तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने क्षैतिज दिशा से इसको प्रक्षेपित किया तो क्षैतिज घटक यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा का मान अचर रहता है। अब आप कल्पना करिए, आप यहां पर हैं, आपने एक स्टोन को यहां पर फेंका, वस्तु ऐसे जाके यहां पर ऐसे होते चली गई, ठीक, अचर है, तथा वेग का ऊर्ध्वाधर घटक u साइन थीटा का मान परिवर्तित हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, मैंने वस्तु को ऐसा फेंका है, कितने प्रारंभिक वेग u से, इस घटक के u cos थीटा का मान सब जगह कैसा है, अचर है, u sin थीटा u y ने u sin थीटा का मान लगातार कैसा हो रहा है, परिवर्तित होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि अगर मैं इसको लेके चलूं तो u x इक्वल टू u cos थीटा ये कैसा हो जाता है, अचर, ठीक। और आप यहां पर हो तो देखिए u y इक्वल टू यू साइन थीटा, ठीक है, परिवर्तित हो रहा है। इसलिए मेरे पास ए एक्स बराबर जीरो, ध्यान रखना जैसे जैसे हम इसको फेंक रहे हैं तो आपके पास आधे हिस्से की बात करता हूं, और आधे हिस्से की जब मैं बात करता हूं तो इस हिस्से में मेरे पास ए का जो मान है वो जी के इक्वल होगा, लेकिन ए वाई को मैं माइनस जी ले लूंगा, क्या लूंगा, क्योंकि वस्तु कहां जा रही है, ऊपर जा रही है, उसके त्वरण का मान क्रमशः कैसा होता जा रहा है, कम होता जाएगा, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक स्टोन को ऐसा फेंका हुआ है, वस्तु ऐसे जाके आ रही है, u का मान हमारे लिए अचर है, कोण थीटा भी कैसा है, अचर है,
इसके दो घटक निकाले, एक दिशा में इसका घटक u cos थीटा और y दिशा में इसका घटक कितना आ रहा है u sin थीटा। कोई अगर इसको मेरे को ऐसा खींचे और y दिशा में इसको ऐसा खींचे तो वस्तु यहाँ यहाँ ना जाके इधर जाएगी, इधर जाके इधर जाएगी, इधर जाके इधर जाएगी, और चूंकि लास्ट में ऊंचाई पर यू वाई का मान यहाँ पर कैसा हो जाएगा, यू वाई बराबर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, फिर यू वाई का मान यहाँ पर बढ़ता जाएगा और वापस यू मान घटता यहाँ पर इसको वापस लेके आएगा, इसलिए वस्तु यहाँ जाके ऐसे जाके यहाँ वापस आ जाती है। तो जब वस्तु को कोण थीटा से प्रक्षेपित किया जाता है तो यह क्षैतिज घटक यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा का मान अचर रहता है, ये मैंने लिख दिया। क्षैतिज दिशा में इसका घटक u sin थीटा इसको वापस लाना चाहता है, अब ये इसको आगे ले जाएगा, ये इसको ऐसा ले जाएगा, तो वस्तु ऐसे 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 आएगी, ठीक है, और u थीटा का मान यहाँ पर परिवर्तित होता है। लास्ट क्लास की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग u x u cos थीटा एक दिशा में इसके त्वरण का मान जीरो। मैं यहाँ से यहाँ तक की घटना को ले रहा हूँ तो ये कैसा हो जाएगा, यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, ये लगातार परिवर्तित हो रहा है, ए वाई इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि ऊपर वस्तु फेंक रहा है त्वरण नीचे लग रहा है, इसलिए जी मेरे पास कैसा आ जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जी का मान हम यहाँ पर निगेटिव लेकर, देखिए पहला मैं यहाँ पर प्रूफ कर देता हूं कि इसका पथ पर वलया कार होता है, ठीक। तो ध्यान रखिए मैंने किसी टाइम टी पर अपने पाथ की पोजीशन एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, और पॉइंट पी पर इसके कोऑर्डिनेट यहां पर एक्स और वाई मान लीजिए, आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां पर बना देता हूं, दिस इज पॉइंट पी, ठीक, पी है ये पॉइंट पी, ये हो गया इसकी पोजीशन एक्स एंड वाई हो गई, यहां पर आ गया, ठीक है। तो देखिए किसी क्षण पी एक्स वाई पर कण टी समय पर पहुंचता है, ठीक, किसी क्षण टी पर कण पी एक्स वाई पर पहुंचता है, इसलिए गति के समीकरण एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर से आप वैल्यू पुट कर दीजिए, एस एक्स को एक्स मान लेता हूं, यू एक्स यू कॉस थीटा इंटू टी वन बाई टू, ठीक, ए एक्स कितने के इक्वल है, ए एक्स यहां पर जीरो के इक्वल है, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया, तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, ये पूरी टर्म जीरो, तो टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा, ये रिजल्ट आ जाता है, तो ये रिजल्ट हो गया, इसको समीकरण नंबर एक मान लिया, ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक। तथा एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये रिजल्ट निकल गया। वाई की पोजीशन निकाल लीजिए, एस वाई यानी वाई, व्हाट इज ए वाई, ए वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, यू साइन थीटा, व्हाट इज टी, टी इज इक्वल टू
x upon cos theta plus 1 by 2. What is Ay? Ay equal to minus g. T कितने के equal हो गया? T की value यहाँ पर हो गई x upon u cos theta. ठीक है? इसको note कर लीजिए आप. Y equal to tan theta cos theta. Tan theta हो गया. Tan theta into x minus 1 by 2. ठीक, इसका आप square कर लीजिए. ठीक है? That will be square. क्योंकि यहाँ t square है, तो minus half g 1 upon u square cos square theta into x square. ये result निकल आया आपके पास. ठीक है? इसको आप note करिए. देखो, इसी term को मैं ऊपर लिख देता हूँ. तो y equal to क्या जाएगा मेरे पास? x tan theta minus 1 by 2 g. Yes, आपको ये दिख नहीं रहा होगा, है ना? चलिए मैं इसको नीचे लिख देता हूँ. यहाँ लिख दे रहा हूँ y equal to, ये हो जाएगा x tan theta minus 1 by 2 ठीक upon u square cos square theta into x square. अब देखिए आप, हर कंडीशन में tan theta कांस्टेंट है. थीटा वो वाला कोण जिससे हम स्टोन को या प्रक्षेप को प्रक्षेपित कर रहे हैं, अचर है. तो इसको मैं a नाम दे देता हूँ. ये पूरी क्वांटिटी भी कैसी है? अचर है. इसलिए y equal to ax minus bx square, ये आ गया. और ये जो रहता है पर वलय, का समीकरण है. ठीक, इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रक्षेप का पथ पर वलयाकार होता है. इसको आप नोट कर लीजिएगा. ठीक, अगर आप इसको देखें तो आपने ये प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है. ये मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है. ठीक है, तो इसका पथ, प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, ये मैंने यहाँ पर बता दिया है. तो ध्यान रखिएगा, ये जो पथ जा रहा है, इस पथ को मैं क्या बोल देता हूँ? परवलयाकार पथ बोल देता हूँ. ठीक है, इसको पॉज करके इसमें अपन क्या करते हैं? उड्डयन काल निकाल लेते हैं. उड्डयन ये मैं निकाल रहा हूं. उड्डयन काल कैपिटल टी. ठीक, मान लो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक आ रहा है कोई वस्तु. ठीक है, इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इस पॉइंट को बी बोल देता हूं. ठीक है, तो वस्तु को ओ से
OSA O से A तक जाने में लगा समय बराबर T, यानी क्या हो गया? यहां से यहां तक जाने में लगा समय T। फिजिक्स से अकॉर्डिंग क्या होता है? जितना समय वस्तु यहां से यहां तक जाने में लेती है, वहीं से उतना ही समय यहां से यहां तक आने में लेती है, तथा उतना ही समय उतना ही समय ए से बी तक लाने में लेती है, इसलिए कुल समय टी बराबर 2T। समीकरण नंबर एक कर लीजिए, ठीक है? जितना समय वस्तु ओ से ए तक जाने में लेती है, उतनी समय ए से बी तक लाने में लेती है। इस पूरे समय को हम क्या बोल देते हैं? उड्डयन काल बोल देते हैं। तो देखिए मेरे पास क्या हो गया, मैं यहाँ पर टी की वैल्यू निकाल लूँ। देखिए उच्चतम बिंदु ए पर UY बराबर 0। UY कितने के बराबर हो जाता है? 0 की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। इसलिए मैं क्या ले लूं? UY इक्वल टू U UY बराबर 0, ठीक है? इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ठीक है? इसका मान कैसा होता जा रहा है? यहां पे क्रमशः कम होता जा रहा है। मैं इस पूरे की वैल्यू को VY इक्वल टू 0 ही बोल सकता हूं। इसलिए VY इक्वल टू UY प्लस AY। आपके पास देखिए UY की वैल्यू कितने के इक्वल है? 0। UY कितने के इक्वल है यहाँ पर? UY इक्वल टू U साइन थीटा, AY माइनस G इंटू T। इसलिए T बराबर कितना आ जाएगा? इसको इधर ले आइए, G को यहाँ पर रखिए, तो U साइन थीटा अपॉन G, इसलिए कैपिटल T इक्वल टू ट्वाइस टी, ठीक? अगर मैं इसको ट्वाइस टी लेके चलूं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? कैपिटल टी इक्वल टू टू यहाँ कर दीजिए, ट्वाइस यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपके पास कैसा हो जाता है? उड्डयन काल कहलाता है। ये वो वाला समय है जिसमें वस्तु अपना एक पूरा पाथ क्या करती है? कवर करती है। इसको पॉज करके नोट करिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टर्म है। ध्यान रखिएगा, आप जितना भी एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो मैथमेटिकली कर रहे हैं। आपको हर चीज मैथ्स में करना है, ऐसा थ्योरी नहीं करना है, ठीक है? हर चीज को मैथ्स में करना। आपको अपना मैथ्स अगर स्ट्रांग नहीं है, सदिश आपका स्ट्रांग नहीं है, तो आपको फिजिक्स में हमेशा दिक्कत आती रहती है। और हमेशा क्या है, हमें फास्ट पढ़ना रहता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिए। थर्ड जो हम कैलकुलेट करते हैं वो है आपकी अधिकतम ऊंचाई। इसको हम काय से शो कर देते हैं, एच से शो कर देते हैं, ठीक है? देखिए अगर कोई वस्तु ऊपर जा रही है तो उसका अंतिम वेग वी वाई कितने के इक्वल होता है? वी वाई इक्वल टू 0। थर्ड समीकरण ले लो,
वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए वाई एस वाई। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितने के बराबर हो गया? जीरो। ठीक, ये हाइट या प्रारंभिक वेग यू वाई, वाई डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी है? यू साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक, टू माइनस ए वाई माइनस जी के इक्वल, तो ये माइनस आ गया। एस वाई यानी वाई डायरेक्शन में हाइट, इसको हम एच बोल देते हैं। इसको यहाँ ट्रांसफर करो और इसको यहाँ टाई जी एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए अधिकतम ऊंचाई एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी की वैल्यू के इक्वल आती। ठीक है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशन, इसको आप नोट करेंगे। कॉपी में मेरे को ये सारी चीजें लिखे हुए मिलना जरूरी है। अब हम लास्ट इसमें निकालते हैं, वो 36 परास चलाती है, यानी यहाँ से 70 फेंका तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर गया? इसको मैं बोल देता हूँ 36 परास, आर बोल देता हूँ। ठीक, अब वेग v बराबर क्या होता है? v बराबर दूरी बटे समय। अब चूंकि ये घटना x डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए यहां पर हम लेंगे vx। दूरी x अक्ष में कितनी ले रहा हूं? r ले रहा हूं। समय t के इक्वल हो जाएगा, इसलिए r बराबर कितना जाएगा? vx इंटू टी, कैपिटल T रहेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो T आ रहा है वह है कुल समय चलता रहेगा इधर, तो ये हो जाएगा कैपिटल T। वस्तु यहाँ से चल के यहाँ तक आ गई तो लगा हुआ कुल समय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R। Vx यहाँ पर देख लीजिए, Vx या Ux ये क्या आ जाता है? U cos थीटा। मैंने आपको टाइम T अब भी बताया है, ट्वाइस U साइन थीटा अपॉन जी। सॉल्व कर लो तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा? यू स्क्वायर टू, इसको मैं मैनुपलेट ऐसा कर ले देता हूँ, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता आपके पास कितने के बराबर? साइन थीटा। मैथ्स में भी आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ये मेरे पास रेंज निकलती है। तो सारे हो तो बच्चे, इन सारे हो तो फॉर्मूले कॉन्सेप्ट को नोट कर लेंगे कॉपी में, इसमें से डेफिनेटली आपको एग्जामिनेशन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है।